कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये जो मेरा छेद है इसमें पीछे की तरफ से पहले से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाएगा 3 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाएगा तो 3 से 4 बार इसे घुमाया जाता है इस तरह से। अब ये फ्रंट साइड से घुमाया जाएगा सेम क्लॉकवाइज में और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये जो मेरा छेद है इसमें पीछे की तरफ से पहले इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाएगा 3 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाएगा तो 3 से 4 बार इसे घुमाया जाता है इस तरह से। अब ये फ्रंट साइड से घुमाया जाएगा सेम क्लॉकवाइज में और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये जो मेरा छेद है इसमें पीछे की तरफ से पहले से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाएगा 3 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाएगा तो 3 से 4 बार इसे घुमाया जाता है इस तरह से। अब ये फ्रंट साइड से घुमाया जाएगा सेम क्लॉकवाइज में और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए इस तरह से डॉक्टर टेप से इसे चिपकाया जा रहा है और ये